टेंथ क्लास बेटा, हम फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप का 3.1 पार्ट कर रहे हैं, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ये राष्ट्रीय भावना कैसे उत्पन्न हो रही थी, तो इसके बारे में बताया गया है बेटा कि इसका डेवलपमेंट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही नहीं था, सिर्फ युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से इसका विकास नहीं हुआ। इसके फॉर्मेशन के लिए, इसके निर्माण के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आर्ट एंड पोएट्री, तो कहानियों, कला, काव्य, किस्सों और संगीत ने इसको बनाने में बहुत ज़्यादा सहयोग। तो हम देखते हैं कि वो कौन सा जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था जो कि पूरा इस रोमांटिसिज्म को फॉलो कर रहा था, इस रोमानीवाद को क्या चीज़ आगे बढ़ा रही थी। पहले जैसे हमने बताया है कि ये रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो बेटा आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क, डिबेट और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की, तो इन सब को उसने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया और उसकी जगह किस चीज़ पे फोकस किया, ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। उनके एफर्ट थे टू क्रिएट ए सेंस ऑफ ए शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कि एक साझा सामूहिक विरासत वो हमें दिखाई दे, एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का बेस बनाया जाए, कॉमन कल्चर इज द बेस ऑफ नेशन। तो इसी तरह कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं, अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसोफर जोहान गोटिफाइड हर्डर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, दास वॉक। तो उसने कहा कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी, भाई जो सिंपल जो सिटीजन है वही उनका कल्चर है। तो इसी तरह राष्ट्र जिसके लिए वर्ड यूज किया गया है वोक्जिस्ट, नेशन इज ए वोक्जिस्ट, वाज पॉपुलराइज्ड। तो नेशन किस पे पॉपुलराइज हो रहा है, ऑन द कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। भाई हमारी सच्ची लोकगीत हैं, हमारी जो कथाएं हैं, जो हमारे लोक नृत्य हैं, उन सब से ही हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को इकट्ठा करना और राष्ट्र के निर्माण के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करना जरूरी था। इसमें बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस पर फोकस किया गया, लोकल फोक लिटरेचर को इकट्ठा करने की कोशिश की गई ताकि हमारी एंशियंट नेशनलिज्म की अवेयरनेस लोगों तक आ जाए, साथ में मॉडर्न नेशनलिज्म का जो संदेश है वो भी उन तक पहुंचे। क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे लोग बेटा अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, तो ख़ास तौर पर ये चीज़ें पोलैंड पर लागू होती थी जहाँ 18th सेंचुरी के लास्ट में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी पावर्स ने उसका डिवीज़न कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र चालू क्षेत्र नहीं था, लेकिन म्यूजिक और लैंग्वेज के जरिए अपने नेशनलिज्म को उसने लाइव रखा। मसलन कैरोल कुपिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनस और माजुर्का जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। तो बेटा यहाँ पर शो किया गया है कि किस तरह से मेन आर्ट और जो है म्यूजिक ने नेशनलिज्म की अवेयरनेस लोगों में लाई, और ये मेन एग्जांपल आपको यूरोप के दिए गए।